and moving to that. His name is Rajan Gupta, and in addition to that, he will conduct spoken English classes. Okay, as this is the first period, you will get only I think 15 minutes, and tomorrow also he will come and tell. The classes will go on, continue for 2 or 3 days. Okay, whatever you want to take from him, it is a good chance, good opportunity to take from him. So I think you can take maximum from this team. Okay, so I think. मोटिवेशनल स्पीकर एजुकेशन सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं प्रत्येक स्कूलों में कॉलेजों में मैं विजिट कर रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ और वहाँ पे हम स्कूलों का इंक्वायरी भी कर रहे हैं और वहाँ पे बच्चों का एक मोटिवेशनल क्लास भी हम ले रहे हैं। एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर एजुकेशन की आवश्यकता है। हर स्कूल अपना अपना एजुकेशन दे रहा है, बच्चों को क्लासेस दे रहा है, सारा चीज प्रोवाइड करा रहा है, तो उसमें हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, किस तरीके का एजुकेशन बच्चों को दिया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको दूर दूर तक उसके स्कूल का नाम नहीं है। आज हम मौजूद हैं सेंट जोसेफ स्कूल सहजनवा में, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे यहाँ के स्कूल डायरेक्टर ने मुझे इनवाइट किया कि सर हमारे यहाँ बच्चों का जो है मोटिवेशनल क्लास प्रोग्राम है और बच्चों को कुछ प्रॉपर में गाइडेंस था, तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है और यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन भी करने वाले हैं और साथ ही साथ इनको एक बेहतर गाइडेंस भी देने वाले हैं कि पढ़ने का आपका तरीका क्या होगा। मैं हर एक स्कूलों में जा रहा हूँ, हर एक स्कूलों का परफॉर्मेंस, उनका रैंकिंग मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ, उनका रैंकिंग मैं बना रहा हूँ, कौन सा स्कूल कैसा है, किस तरीके का है, सारा चीज़ मैं बना रहा हूँ और इस पर हम बहुत ही बेहतर इस पर रणनीति हम बना रहे हैं, बेहतर प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे हम इसको और सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे और बेहतर कर सकते हैं हम एजुकेशन सिस्टम को लेकर। इस पर मैं जो प्लानिंग बताया हूँ और स्कूल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए टीचर्स के साथ भी मीटिंग में कर रहा हूँ और जो स्कूल मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं उसे इनवाइट कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी स्कूल में पहुँच रहा हूँ और वहाँ पे मोटिवेशनल क्लास प्रोग्राम दे रहा हूँ। यहाँ सहजनवा में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, सहजनवा क्षेत्र में ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों को ये अवसर मिला है मोटिवेशनल क्लास अटेंड करने के। यहाँ के ये मैं हूँ सेंट जोसेफ स्कूल में हूँ मैं और यहाँ के डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं जो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने अच्छा कदम उठाया है और अपने स्कूल में मोटिवेशनल क्लास प्रोग्राम करवाया है। यहाँ के बच्चे बहुत लकी हैं कि सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ के डायरेक्टर बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए एक मोटिवेशनल क्लास जो है बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है। इससे समझ सकते हैं आप कि बच्चों में मोटिवेशनल क्लास से उनके भविष्य में कितना जो है प्रोग्रेस हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और बच्चों के लिए कुछ अलग अलग से चीजें करना ये सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ पे सेंट जोसेफ स्कूल ने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा कदम उठाया है यहाँ पे सहजनवा में, ये सहजनवा क्षेत्र में, पूरे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में सहजनवा में सेंट जोसेफ स्कूल में सबसे ये बेहतर कदम डायरेक्टर सर का माना जा रहा है। उन्होंने बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल क्लास जो है प्रोग्राम रखवाया है। तो आइए हम बच्चों से मिलते हैं और यहाँ के बच्चों से बातचीत करते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, एजुकेशन कैसा है, फिर हम प्लानिंग बताएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे और इनको हम बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे, कैसे पढ़ने में तेज बन सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को बताएंगे। तो आइए हम बच्चों से मिलते हैं और आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। आपके घर में यदि बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए क्योंकि बच्चों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए ही ये वीडियो है। उसकी इस वीडियो में प्लानिंग बताया जाएगा कि पढ़ना कैसे है, अपने करियर के लिए कैसे काम करना है स्टार्टिंग से। अगर बच्चा स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करेगा, स्टार्टिंग से प्लानिंग नहीं करेगा, तो आगे चल के उसके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है।
तो यहाँ के बच्चों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अंत तक देखिए, बच्चों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ का माहौल है। आइए मिलते हैं। कैसे आप सभी लोग? आवाज नहीं आ रहा होगा, कैसे आप लोग? ओके, क्या हम आप लोग से एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं? ओके, वेरी गुड, यू स्टैंड अप प्लीज, योर गुड नेम? Your good name? Sorry? Tanishq. Okay, Tanishq, आप पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ने में कोई दिक्कत आती है आपको? पढ़ते हो तो चीजें याद होती हैं आपको? अभी आपके देश में प्राइम मिनिस्टर कौन है? वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। अरे वाह, आप लोग जाइए। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओके, सीएम कौन है यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ। अरे वाह, वेरी गुड। और गवर्नर कौन है? गवर्नर नहीं याद है। ओके, कौन बताएगा गवर्नर कौन है? एनीबॉडी? यस, वेरी गुड, यस। ओके, आप सही बताएंगे। यू स्टैंड अप। यस, आपका गुड नेम? ओके, आपको सारे बुक्स अच्छे से पढ़ाए गए हैं स्कूल में आपके? अच्छे से स्कूल क्लासेस होते हैं आपके स्कूल में? सारे क्लासेस समझ में आते हैं आपको? ओके, कोई किसी विषय में किसी क्लासेस में कोई दिक्कत आती है आपको, समझ में नहीं आना जैसे? सब कुछ अच्छा चलता है, वेरी गुड। कौन सा आपको सब्जेक्ट जो है सबसे अच्छे से आया? हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एनीथिंग, कोई भी आपको अच्छे से? कौन सा विषय आपको? मैथ्स से आ रहा है, वेरी गुड। 69 में से 29 माइनस करेंगे कितना होगा? 29, 40, यस, वेरी गुड। आपका नाम? सॉरी, श्याम सिंह गुप्ता। ओके, आप बताइए, आप पढ़ाई करने आती है तो आपके मन में कोई सपना भी होगा कुछ करने का, राइट? तो आपको पता है उस सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो आप कुछ ही बताइए कि ज्योग्राफी या पढ़ाई? ज्योग्राफी पढ़ाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन? ओके, बिहार, वेरी गुड। जब आपको सर ने जियोग्राफी जब पढ़ाया था आपके स्कूल में, तो क्या मैप बनवाए थे? वो इंडिया का मैप बनवाया था तो उसमें यूपी बनाया था, उसका पड़ोसी राज्य से ऊपर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा? कोई बात नहीं। ओके, आप बताइए कि अभी आपका साइंस में जो लेसन है, सारे लेसन आप सुन चुके हैं? ओके, पहला लेसन कौन सा? साइंस का पहला लेसन। ओके, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट दिस लेसन? ओके, दिवाली। आप बताइए कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाएगा? हिस्ट्री में कुछ भी याद आ रहा हो तो बताइए। कुछ भी याद आ रहा हो? वन डाइवर्सिटी, ये तो बहुत अच्छे लेसन है, समझाया गया था अच्छे से। कुछ भी इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। मूवमेंट के बारे में बताया गया था। ओके, क्या बताया गया था?
experiences what you are speaking away. Sit down, sit down. You stand up? Yes, you stand up. Your good name? Sorry? Mahendra Dubey. Mahendra Mank. Mank. Okay, Mank, aap bataiye ki aapko padhna acha lagta hai? पढ़ना अच्छा लगता है आपको, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? हिंदी आपको अच्छा लगता है? अरे वाह, ओके, और साइंस, ठीक है, आपको कौन सा लेसन अच्छे से तैयार है? कोई भी एक लेसन का आप बताइए जो आपको अच्छे से तैयार है, किसी में भी, फर्स्ट लेसन, ओके, फर्स्ट लेसन कौन सा है नाम बताइए? साइंस का, ओके, कौन सा लेसन है? कुछ बताइए इस लेसन के बारे में, यस 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 वेरी वेरी गुड सर, यस आपका गुड नेम, सॉरी आर्यन भट्ट, आर्यन आप बताइए मेरे को कि आपसे मैं क्या पूछूं, मैं पूछूं 222 में ऐड करेंगे 336 ऐड करेंगे 500 करेक्ट में ऐड करेंगे 336 and any student want to speak anything? Any student? Yes, you want to speak? No. What's your good name? Riddhesh. इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? बहुत बढ़िया. सर आपको अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छा. जैसा कि आपने देखा, जो है मैं बच्चों से मिला और बच्चों से जानने की कोशिश किया कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे चल रहा है, इन लोगों से हमने खुद टेस्ट आउट भी लिया और बच्चों से मैंने क्वेश्चन भी क्वेश्चन फटाफट स्टूडेंट्स बता रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दी जा रही है, बच्चों को काफ़ी एक्सपर्ट है, बोलने में भी कोई हिचक नहीं है, कोई भी जो है डर नहीं है बच्चों में. ऑलरेडी आप अन्य स्कूल का वीडियोस आप जब देखेंगे तो उसमें बच्चों में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, बच्चे बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, और यहाँ के बच्चों में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों में दिख रहा है. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्कूल्स में आने के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए सर का जो है बहुत अच्छा प्लानिंग कि अचानक से बच्चों का किसी अन्य सर से बाहरी टीचर से चेकआउट करवाना कि बच्चों में हमारा नॉलेज कितना, हमारे स्कूल के बच्चों में नॉलेज कितना है, ये चीज़ें चेकआउट करने के लिए सर ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने कि सर ने मुझे अपने स्कूल में इन्वाइट किया और सर बच्चों से डायरेक्टली क्वेश्चन भी करवाया उन्होंने और बच्चों से मैंने टेस्ट आउट भी लिया. अच्छा लगा, बच्चे सारे बच्चे बोलने में एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है. तो आइए अब हम इनको प्लानिंग बताते हैं कि ये अपने भविष्य के लिए सारे बुक्स को लर्न कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे और लाइफ में और भी क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे इनका लाइफ और भी बेहतर हो सके. तो आइए हम मिलते हैं और हम बोर्ड्स पे बात करते हैं और चीज़ों को अंदर करते हैं. यस, चौक है आप लोग पास? यस, यस. क्या आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं? यस या नो? उसके लिए आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अभी से आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा. यदि आप करेंगे अभी से तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ में. तो क्या आप करना चाहते हैं? यस या नो? तो आपको मैं रूल्स बताऊंगा, 5 रूल्स बताऊंगा मैं आपको. फॉलो करेंगे सभी लोग? yes, यदि आप फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में काफी आगे ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे. और आपने जो सोचा होगा बनने के लिए, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने सोचा होगा बनने के लिए आप ही बन सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं. ये 5 पॉइंट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए. अंडरस्टैंड? फॉलो करेंगे सभी लोग? yes, sir. ओके. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ये 5 पॉइंट्स
आपके कैरियर के लिए होगा, आपकी पढ़ाई के लिए होगा, और इन पांचों पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे आपके स्कूल का एग्जाम हो या स्कूल के अलावा कोई भी एग्जामिनेशन होगा, उसमें आप सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आएंगे, मेरा दावा है। और आप नेक्स्ट क्लास करते करते आप 12th में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म भरेंगे, आपका तुरंत एग्जाम नहीं होगा। आप अपने आसपास देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म निकल रहा होगा, भर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम ही नहीं निकल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, हो रहा होगा ऐसा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वे लोग जब 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में थे, तो वो लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, सीरियसली तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको उनका ही बुक लर्न नहीं था, इसलिए जो है उन लोगों को अभी दिक्कतें हो रही है, तो वो दिक्कतें आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए आप लोग को अभी सतर्क होना पड़ेगा और अभी से अपने आप को चेंज करना होगा। अंडरस्टैंड? तो जानना चाहते हैं पांचों पॉइंट्स? यस सर। यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 1, आपको बुक रीडिंग करनी है। पहला पॉइंट क्या है? बुक रीडिंग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्रुप डिस्कशन। सेकेंड, क्या लिखा है सेकेंड? वाचिंग टीवी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 5, डेली डायरी लिखना है, डेली डायरी पर्सनल। डेली डायरी पर्सनल, इसको राइट करना। पांच पॉइंट रिपीट करिए मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फाइव पॉइंट। अब मैं एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझेंगे आप लोग। बुक रीडिंग, बुक रीडिंग का मतलब बुक को पढ़ना है, और बुक को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबको अपने अपने तरीके से पढ़ता है ना, है कि नहीं? सब आप लोग अपने अपने तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग इसको लिखना नहीं है अभी, जब मैं क्लोज करूँ क्लास को तब आपको लिखना है, तब आपको नोट आउट करना है, अभी आप लिखेंगे, ठीक है? ध्यान समझिए, सबको अपने अपने तरीके से बुक पढ़ता है ना, बुक पढ़ने का क्या तरीका होगा वो समझिए आपको। सपोज करिए आपका बुक है, अंडरस्टैंड? ये बुक है आप लोग का, इसको पढ़ना है, अब इसको पढ़ने के लिए तो आप लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, जैसे मन करता है वैसे आप लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं फिर रख देते हैं, फिर घूम घाम के आते हैं, ऐसे खोलते हैं बुक को, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा अपने पढ़ा, और एग्जाम आया तो क्या करते हैं, जो सब लोगों ने नोट्स लिखवाया है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग रटते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग उसको रटते हैं, और रटने के बाद से जो है आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन आंसर रटेंगे, फिर रटने के बाद से क्या करते हैं आप एग्जाम में जाके लिखते हो, और वही चीजें भूल जाती है, नहीं लिख पाते, फिर आपका नंबर भी कम हो जाता है, होता है ऐसा? तो अब आपका कैसे पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर भी अच्छा आएगा, आपको बुक भी लर्न होगा, वो चीजें ध्यान समझिए। ये जो आपका बुक है टारगेट बना के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है?
कैसे पढ़ना है? टारगेट से पढ़ना है, डेली एक लेसन पढ़ना है, डेली एक लेसन, एक बुक का एक लेसन डेली पढ़ना है। जैसे ये बुक है, पहला लेसन ओपन करेंगे पर डे और इस पर डेट और टाइम नोट करेंगे, और एक लेसन को आप तीन बार पढ़ेंगे। कितने बार? तीन बार। एक लेसन को कितनी बार पढ़ना है? थ्री टाइम्स पढ़ना है आपको, और थ्री टाइम्स कैसे पढ़ना है उसमें भी लॉजिक, थ्री टाइम्स कैसे पढ़ना है उसकी भी लॉजिक है। इसमें क्या लॉजिक है, उसमें क्या लॉजिक है, एक बार पढ़ने के बाद आप 15 मिनट रुकेंगे। कितने मिनट? 15 मिनट। एक मिनट पढ़ने, एक बार पढ़ने के बाद कितने मिनट रुकना है? 15 मिनट आप रेस्ट कर लेंगे, राइट। फिर आप सेकेंड राउंड पढ़ेंगे, फिर आप कितने मिनट स्टे करेंगे? फिर आप सेकेंड राउंड पढ़ेंगे और उसके बाद से आप 20 मिनट स्टे करेंगे। कितने मिनट? 20 मिनट। फिर आप थर्ड राउंड उसको रीड करेंगे, फिर आप 25 मिनट रीड करेंगे। यस बताइए, हेलो बोलिए, क्या क्लोज मत करो, क्लोज मत करो। यस, मैंने आपको बताया कि एक लेसन को 3 टाइम्स पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड। फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद से आपको 15 मिनट आपको स्टे करना है, सेकेंड टाइम पढ़ने के बाद आपको 20 मिनट स्टे करना है, फिर आप थर्ड राउंड पढ़ेंगे, फिर आप 25 मिनट रुकेंगे, उसके बाद से आप रफ की कॉपी उठाएंगे और एक्सरसाइज इसका बोलेंगे, आप इसका एक्सरसाइज ओपन करेंगे, इसका एक्सरसाइज आप ओपन करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर आप सर्च करेंगे, इसमें कहां से कहां दिया है उसको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अंडरस्टैंड। और उसको अंडरलाइन भी करना है, उसको अपने रफ की कॉपी पे भी नोट करना है, समझ गए? उसके पास इस बुक को क्लोज कर देना, फिर दूसरा वाला बुक उठाना है अदर सब्जेक्ट का, उसमें एक लेसन करना है। एक दिन में सारे बुक से एक एक लेसन करना है। अगर मान लीजिए समय नहीं मिल पाया, दो ही बुक का हो पाया तो कोई बात नहीं, दो ही बुक करिए, फिर अगले दिन अगले सब्जेक्ट का पहला लेसन कर लीजिए। जब सारी बुक से एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा लेसन करना है सारे सब्जेक्ट से, चाहे दो दिन में हो चाहे 3 दिन में, इस तरीके से, अंडरस्टैंड। और आज ही रफ कॉपी अलग से बनाएंगे और उस पर आप नोट डाउन करेंगे, बीच बीच में कभी भी आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको, अंडरस्टैंड। पहला समझ में आ गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन, दूसरा पॉइंट क्या है? देश बोले, दूसरा पॉइंट ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, सबके अपने अपने फ्रेंड होंगे, सबके अपने फ्रेंड होंगे ना, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंडशिप का यूज करते हैं आप लोग? नहीं करते, अपने फ्रेंडशिप का आप लोग यूज नहीं करते। फ्रेंडशिप का यूज कैसे किया जाता है आपको पता है? नहीं पता है। आप लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड से, अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं है तो फ्रेंड से कॉपी लेके पूरा कर लेते हैं आप लोग, कोई सामान नहीं है तो मांग लेते हैं या उसका हेल्प कर देते हैं, दे देते हैं, बस यही फ्रेंडशिप है ना, ये फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप में वो ताकत है जिसके बदौलत आप पढ़ने में एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हैं, फ्रेंडशिप में वो ताकत है। पर इसका यूज करना आना चाहिए, आपको यूज करना आता है? नहीं आता। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं आप लोग? जानना है तो ये सुनिए, आप पहले जो पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे, जब आप बुक रीडिंग, मान लीजिए आज सभी लोग बुक रीडिंग किए, आप सभी लोग बुक रीडिंग किए ना, बुक रीडिंग आपने किया तो आप जब कल अगले दिन जब क्लास में आप आएंगे, अगले दिन जब आप क्लास में आएंगे तो आप अपने फ्रेंड से आप पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों पढ़ोगे, मान लीजिए ये इनके फ्रेंड है, तो आप दोनों पढ़ के आएंगे सब्जेक्ट को, तो आप इनसे कल आके पूछिएगा कि चलो तुम कौन सा लेसन पढ़े थे बताओ, कॉपी देखो, कॉपी इनका दे दिया, ठीक है, फिर इनका बुक उठाएंगे, मान लो कि पहला लेसन पढ़े, तो पहला लेसन ये पढ़े हैं ना, तो आप इनसे पूछना चलो पहला लेसन पढ़े हो ना, इसमें हेडिंग पूछना, हेडिंग इनसे पूछना, ये पढ़े रहेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे आपको, बताएंगे, समझ गए? फिर जब आप पूरा इनसे पूछ लेना, फिर आप इनसे पूछ लो, चलो आप बताओ आप क्या पढ़े, फिर इनका बुक लेके आप इनसे पूछ, समझ पा रहे सभी लोग? क्या समझे आप लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो फ्रेंड है आपस में, तो ये भी पढ़े, ये भी पढ़ के आए लोग, अगले दिन जब ये क्लास में आएंगे तो आप इनसे पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा, बुक लेना है उठाना है, और इसमें टॉपिक आपको इनसे पूछना है, टॉपिक चलो ये टॉपिक बताओ, ठीक है?
फिर जब आप इनसे पूरा पूछ लेंगे फिर आप इनसे बोलेंगे कि आप ये अपना बुक दिखाओ, इनके बुक लेके इनसे पूछ और देखते हैं अंडरलाइन किए हैं करेंगे आप लोग। तो आप टीचर भी बन गए और आपका फ्रेंडशिप भी चल गया और आप पढ़ने में तेज बन गए और आपको बोलना भी आता है, इससे कई सारे बेनिफिट्स हैं। वो भी नहीं होगा आप कॉपी भी शिष्य करा, अपने फ्रेंड्स आपका फ्रेंड ही आपका गुरु है सब कुछ का। ये होता है फ्रेंडशिप का मतलब, फ्रेंडशिप का यूज कैसे करना है, ठीक है समझ आ गया। फ्रेंडशिप तो सभी स्टूडेंट्स आपस में अपने अपने फ्रेंड से पूछेंगे कल आपकी क्लास में आपने क्या पढ़ा सर, तुझसे अगर आपका फ्रेंड नहीं बताता है तो उससे बात नहीं करनी है।